आदरणीय डॉक्टर एच चतुर्वेदी सर हमारे बीच में हैं। प्रोफेसर अभिजीत के चट्टोराज सर, प्रोफेसर मनोज पांडे सर, आप सब अपना स्थान ले सकते हैं, बैठ सकते हैं। बिमटेक और एपीआरटी के इस सेमिनार में मैं राजेश चेतन आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पहला सेमिनार हम बिमटेक में कर रहे हैं और कल से ही पार्टिसिपेंट आने लगे थे। लगभग 14-15 शहरों से यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं। बहुत दूर दूर से भी लोग आए हैं, हैदराबाद से भी आए हैं, चेन्नई से भी आए हैं, बम्बई से भी आए हैं। तो एक तरह से ये नेशनल सेमिनार हो गया है और बिमटेक तो अब भारत की सीमाओं से बाहर जाकर नेपाल में भी, भूटान में भी, बांग्लादेश में भी बिमटेक पहुंचा है। तो हमें आशा है कि हम भी बहुत जल्दी इंटरनेशनल हो जाएंगे, क्योंकि जब हमको इस तरह के सपोर्ट सिस्टम में हम आए हैं तो आज ये बहुत अच्छा माहौल बना है। सब आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम को आरंभ किया जाए, ये उद्घाटन सत्र है। मैं बुलाना चाहता हूं मंच पर सबसे पहले डायरेक्टर सर डॉक्टर एच चतुर्वेदी सर को कि वो आके स्थान ग्रहण करें। हम तालियां बजा के स्वागत करेंगे। प्रोफेसर अभिजीत के चट्टोराज इंश्योरेंस के इंसाइक्लोपीडिया हैं, इंश्योरेंस का चलता फिरता विश्वविद्यालय हैं वो। हमारा सौभाग्य है कि आज उपस्थित हैं। प्रोफेसर मनोज के पांडे, और एपीआरटी के जनरल सेक्रेटरी, हम सबके लीडर मिस्टर अतुल जैन। आज का ये सेमिनार संध्या में 6 बजे तक यहाँ हम लोग रहेंगे। पूरा शेड्यूल, पूरा टाइम टेबल आपको मिल चुका है, आप उसके डिसिप्लिन के हिसाब से चलेंगे। नाश्ता भी कम करना, भोजन भी कम करना, नींद नहीं आएगी। लेकिन यह खाना इतना स्वादिष्ट है, भूख तो नहीं रहती है पर मन नहीं मानता, खाते रहो। तो ऐसा ही हुआ ना, बताओ यार, सही पकड़े। हाँ, तो वो देख के खाना, नहीं तो सो जाओगे, या सीखने आए हो और खाने के चक्कर में उलझ जाओगे। इसलिए मैं पहले से आपको बता, मैं ये साथ ये हो चुका है, मैं 3 दिन यहाँ आया था, रेजिडेंशियल एक कोर्स था 3 दिन का, मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए मैं आपको पहले से अवेयर कर रहा हूँ। आइए, दीप जलाने की परंपरा है, उद्घाटन करेंगे कार्यक्रम का। बुद्ध आखिरी सांस ले रहे थे, महात्मा बुद्ध। शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव कुछ आखिरी संदेश दे दीजिए, तो बुद्ध ने एक लाइन बोली, एक पंक्ति। सारा बौद्ध धर्म उस एक पंक्ति पर खड़ा है। बुद्ध धर्म सारे देशों में जो पहुंचा उसे एक लाइन के ऊपर पहुंचा। लाइन क्या थी? अपाम दीपो भव, अपने आप को दीपक बनाओ। ये इंस्टीट्यूशन है भारत के, स्कूल, कॉलेज, बिमटेक, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, ये क्या काम कर रहे हैं? अपाम दीपो भव, हम लोगों को क्या बनाते हैं? वो दीपक बनाते हैं। हमारे देश का नाम ही भारत, भारत का मतलब यही है कि जो हमको उजाले की तरफ ले जाए, प्रकाश की तरफ ले जाए,
जो प्रकाश की तरफ जाने को उद्धत है, रत है, वह भारत है। इसलिए अपने यहां दिया जलाया जाता है प्रकाश के लिए, उसका प्रतीक है। हम लोग FPRT में आए हैं, अपना भी दिया जलाना है। एक बल्ब दूसरे बल्ब को नहीं जला सकता, एक ट्यूबलाइट दूसरी ट्यूबलाइट को नहीं जला सकती, पर एक दिया ऐसा है जिससे ना जाने कितने दिए जला सकते हैं। उस प्रकाश का, उस उजाले का प्रतीक है दिया। मंच पर हमारे अतिथि विराजमान हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि दीप स्तंभ तक पहुँचें, दिया जलाएं, सरस्वती की वंदना होगी। हम सरस्वती के मंदिर में हैं, आप अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएंगे वंदना के लिए, दिया जलेगा और सरस्वती वंदना होगी। फिल्मी गाने से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप FPRT के बोर्ड मेंबर और हमारे स्पीकर्स वो सब मित्रों, स्वागत सत्कार की अपनी परंपरा है भारत की। डॉक्टर एच चतुर्वेदी साहब विराजमान हैं। मेरे तो वशिष्ठ हैं वो, मेरे दोनों बेटे इसी इंस्टीट्यूशन में पढ़े BEMTEC में, और उनको इस प्रकार से तैयार किया सर के डायरेक्शन में। कैंपस प्लेसमेंट हुआ स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी में जॉब किया राघव ने, केशव ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी में जॉब किया, और आज दोनों बेटे मेरे अपनी जॉब से मुक्त होकर अपनी इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी चला रहे हैं। ये सारा क्रेडिट डायरेक्टर सर यहाँ बैठे हैं जिनका मेरे ऊपर असीम प्यार है। छोटे बेटे को मैं कोई फार्म नहीं भरा, कोई कंपटीशन नहीं में बैठा, वो मैं परेशान था क्योंकि वो IAS में 2 बार अटेम्प्ट करके रह चुका था। तो राघव ने कहा सर के पास चलते हैं, सर ट्रबल शूटर हैं, कोई रास्ता निकालेंगे। तो मैं और राघव छोटे वाले बेटे केशव को लेकर यहाँ पहुँचे। हमें पता था एडमिशन नहीं होगा क्योंकि हमने कोई कंपटीशन में बच्चा बैठा नहीं था, कोई उसने अप्लाई नहीं किया था, लेकिन सर कृपा निधान है, मैंने अपनी प्रॉब्लम रखी और सर ने सारी सीमाओं को पार करते हुए अगले 2 घंटे में BEMTEC में उस बच्चे का एडमिशन किया। तो मैं कैसे इस बात को भूलूंगा।
वो हमेशा राजेश चेतन पर कृपा बना के रखते हैं और आज बहुत बड़ी कृपा कर दी है कि पूरा सेमिनार हॉल, सब फैकल्टी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा हॉस्टल आज FPRT के हमारे मेंबर्स के लिए, उन्होंने कहा कि यहाँ आओ कार्यक्रम करो, मैं हूँ। कैसा लग रहा है ये बताइए मुझे, यहाँ आप लोगों को आके अच्छा लग रहा है? फील गुड? वाह वाह, बहुत अच्छा। आपकी तालियां बता रही है कि आप आके यहाँ प्रसन्न हैं और क्राउन प्लाजा से मुक्ति लेनी चाहिए, अब यहीं आना चाहिए अपने को। हाँ, पर सर परमिशन देंगे तो ना, अपने हाथ में थोड़ी, अपने कौन सा पर्चा भर रखा, फॉर्म भर रखा, एडमिशन ले रखा है यहाँ पे, हम तो जबरदस्ती वाले हैं। लेकिन सर की कृपा है कि हमको ये अवसर दिया है यहाँ आने का। कई बार लगता है कि हम यहाँ के विद्यार्थी होते तो अच्छा होता, पर मैं भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ कि इस जन्म में तो मैं यहाँ नहीं पढ़ पाया, पर मेरा अगला जन्म जब हो तो मेरे को यह अवसर मिले कि मैं BIMTECH का विद्यार्थी बन के पैदा हूँ। हाँ, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोल दिया जाए, ये सर की इच्छा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। डायरेक्टर सर चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। डॉक्टर कुलदीप बोलिया आए हैं सर, जयपुर से डॉक्टर कुलदीप बोलिया, और मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और इंश्योरेंस का काम करते हैं सर। और डॉक्टर साहब, आपने तो मेरी मुराद पूरी कर दी, आपने कहा इस जन्म में ही, अगले जन्म की कोई चिंता करते हो, इसी जन्म में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो डॉक्टर H चतुर्वेदी साहब जहाँ बैठे हैं, इंसाइक्लोपीडिया हैं कि BIMTECH जो आप देख रहे हैं, बिरला परिवार ने पहले दिन से ही सर के पास इसकी कमांड है। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि इस BIMTECH के फाउंडर भी डॉक्टर H चतुर्वेदी हैं। 45 साल का एक्सपीरियंस है आपको पढ़ाने का और एडमिनिस्ट्रेशन का, और आपको पता है ब्रिज भूमि में उनका जन्म हुआ। ब्रिज वाले तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते ही हैं, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। लोग तरसते हैं ब्रिज भूमि में जाने के लिए, बहुतों की इच्छा होती है कि वहीं वास करें, वहीं रहें। उस ब्रिज की रज में डॉक्टर H चतुर्वेदी का जन्म हुआ। क्या बोले? अच्छा, अभी बैठे हो, ब्रिज वाले काफ़ी है इसका मतलब। कितने हैं ब्रिज वाले भाई? अरे वाह वाह वाह, 3-4 इधर भी हैं। नहीं, आपसे हमको कष्ट है, आपका जन्म वहाँ क्यों हुआ, हमारा होना चाहिए था। लेकिन अच्छी बात है, ब्रिज में जिनका जन्म हुआ है भाग्यशाली लोग हैं, कहाँ मिलता है। उस ब्रिज की धरती से डॉक्टर H चतुर्वेदी इस धराधाम पर आए, लेखक हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स अखबारों में पढ़ते हैं, शिक्षाविद हैं, भारत सरकार की अनेक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए, बहुत सारे अवार्ड आपको मिले हैं। बहुत लंबा परिचय मैं डॉक्टर H चतुर्वेदी का दूंगा तो मैं बहुत देर यही बोलता रहूँगा। आइए, हम चाहते हैं कि उनका स्वागत किया जाए। BIMTECH की तरफ से सुनील डैंग साहब को मैं प्रार्थना करूंगा, अतुल जैन साहब भी ज्वाइन करें कि वो एक पुष्प गुच्छ से डायरेक्टर सर का सम्मान करें। हम लोग यहाँ पर पिछले वर्ष एक 3 दिन का रेजिडेंशियल कार्यक्रम करने के लिए आए थे। कितने लोग थे उस कार्यक्रम में, मुझे आप बताएंगे थोड़ा सा? आओ, काफ़ी लोग थे। कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का भाई? अद्भुत। तो प्रोफेसर मनोज पांडे साहब और प्रोफेसर अभिजीत के चट्टोराज साहब से मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा सर आपने इतना बढ़िया सेमिनार कर दिया है, अब इस काम को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए। और दोनों सर बड़े कृपा पात्र हैं और ये हमको बोले आ जाओ सर के पास चलते हैं। तो हम FPRT से अतुल जैन साहब, मैं, सुनील डैंग और हमारे साथ में उस दिन राजेश राठौर, हम पहुंचे सर और डरते डरते सर के कमरे में जाके दस्तक दी हमने कि सर ऐसा ऐसा मन है।
और हमारी वकालत कर रहे थे प्रोफेसर मनोज पांडे और प्रोफेसर अभिजीत के चट्टोराज साहब, इन्होंने जाके कहा कि सर कर लेना चाहिए अपने को ये कार्यक्रम, और सर ने एक क्षण भी नहीं विचार किया, एक क्षण भी विचार नहीं किया। तो बोले सोचना क्या करो ना। और फिर मैंने फ़ोन करके कहा सर मेरा मन ये है कि जिस दिन हम कार्यक्रम करें उस दिन आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो। बहुत व्यस्त रहते हैं सर, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चल रहा है, ऊपर का फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग निर्माणाधीन है, ये सब छोड़कर भी सर यहाँ उपस्थित हुए हैं हमारे बीच हमको आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं उनका चाहता हूँ कि आप सबको भी आशीर्वाद मिले। तो एक बार हम सब मिलकर, मैं अकेला बुलाऊंगा तो अच्छा नहीं है, हम सब मिलकर आमंत्रित करें डॉक्टर एच चतुर्वेदी सर। धन्यवाद धन्यवाद कवि श्री राजेश चेतन जी, आपने बहुत कुछ कहा। मैं एक शिक्षक मात्र हूँ बी बिड़ला जी का, स्वर्गीय बसंत कुमार जी बिड़ला और स्वर्गीय श्रीमती सरला बिड़ला जी का आशीर्वाद है कि हम इस कैंपस में पिछले 20 वर्षों से इस संस्थान को चला रहे हैं। उससे पहले दिल्ली में एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर था और उसको साकेत, पुष्प विहार साकेत से इसको 1988 से चलाया जाता था। और संशोधन कर दूं कि मैं फाउंडर डायरेक्टर नहीं हूं, मेरे से ज़्यादा योग्य, मेरे से ज़्यादा नामचीन फाउंडर डायरेक्टर यहां रहे वो थे डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर सीबी गुप्ता जी, जो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रिंसिपल रहे 10 साल तक। तो उनके जीवन काल में ही मुझे ये अवसर मिला और बिड़ला जी का आशीर्वाद मिला। मैं कहना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस सबसे पहला पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करने की जिद हमने ठानी सन 2000 में, जब पार्लियामेंट में इंश्योरेंस बिल पास हुआ। 2000 से पहले सिर्फ सरकार ही इंश्योरेंस कंपनियाँ चलाती थी और उसके लिए ये डिमांड बहुत पहले से होती रही, विवाद भी था कि इंश्योरेंस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जाए या नहीं खोला जाए। और इंश्योरेंस को ये समझा जाता था कि एक डोरमेंट इंडस्ट्री है और इंश्योरेंस एजेंट को कभी भी रेस्पेक्ट नहीं दी जाती थी समाज में, और वो मजाक का विषय होते थे कि भैया ये इंश्योरेंस एजेंट से इनसे बचो। और इंश्योरेंस को सिर्फ लोग खरीदते थे पॉलिसी को टैक्स बचाने के लिए कि इनकम टैक्स लग जाएगा, इसमें कोई डिडक्शन है वो कर लीजिए। तो जब हमने सोचा कि फुल टाइम प्रोग्राम इसमें शुरू किया जाए, तब देश में कहीं पर भी फुल टाइम प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर नहीं चल रहे थे। लोगों ने कहा इससे क्या होगा, इंश्योरेंस में क्या है पढ़ाने के लिए, आप क्यों ऐसे कोर्स को शुरू कर रहे हैं जिसका कोई भविष्य नहीं होगा। लेकिन मैं पढ़ता हूं और मुझे मालूम था कि इंश्योरेंस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्लोबल इंडस्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका बिजनेस कभी कम नहीं होता, और इंडिया में इसके लिए इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज हैं क्योंकि पेनिट्रेशन रेट सन 2000 के आसपास तो बहुत ही कम था, 2% 3% होगा। जनरल इंश्योरेंस लोग जानते नहीं थे, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लोग सिर्फ टैक्स के लिए खरीदते थे, टैक्स सेविंग के लिए खरीदते थे। तो अल्टीमेटली हमने सन 2000 में एक फुल टाइम और एक पार्ट टाइम कोर्स शुरू कर दिया। बहुत परेशानियाँ आईं, किताबें नहीं थी अच्छे स्तर के प्राध्यापक नहीं थे, कोर्स करिकुलम कैसे बनाएं। और जब हमने शुरू किया तब सिर्फ 2 कंपनियों को लाइसेंस मिला था प्राइवेट सेक्टर में, एक रॉयल सुंदरम थी और एक मैक्स लाइफ थी, उनसे जाके मिलते थे हम। तो कुल मिला के पिछले 23-24 साल में बिमटेक का जो MBA इंश्योरेंस है उसको देश के बाहर भी रिकॉग्निशन मिली है, और हमारे विद्यार्थी, ऐसी कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है प्राइवेट सेक्टर की जिसमें बिमटेक के विद्यार्थी एलुमनाई काम नहीं कर रहे। बहुत सी कंपनियों में वाइस प्रेसिडेंट और
प्रेसिडेंट के स्तर पर भी उनको काम मिला है, लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जॉब कर रही। और सन 2002-03 में फिर वो ब्रोकिंग हाउस का गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना के अनाउंस की, एक्ट आया और इंटरमीडियरीज एक नई इंटरमीडियरी चैनल सरकार ने दिया, तो हमने उसकी तरफ भी ध्यान दिया, एक सेमिनार भी की और अल्टीमेटली हमने ब्रोकिंग से रिलेटेड और री इंश्योरेंस से रिलेटेड, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज उसमें ऐड करते चले गए। 2004 में जब हम यहाँ पर आए तो इसका और विस्तार हुआ, ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम बन गया, सारे प्रोग्राम हमारे अब रेजिडेंशियल हैं 2004 से। विद्यार्थियों के लिए यहाँ रहना अनिवार्य है, अध्यापकों के लिए ऑप्शनल है। मैं खुद यहाँ रहता हूँ, चट्टोराज जी यहाँ रहते हैं और बाकी लोग आसपास रहते हैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी को यहाँ देखकर जो विभिन्न शहरों से आए हैं, कुछ लोग बम्बई से भी आए हैं और ज़्यादातर लोग उत्तर भारत से हैं, और ये बहुत बड़ा अभिनव प्रयास है FPRT। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बीज होता है वो एक विशाल वट वृक्ष बन जाता है, उस विशाल वट वृक्ष के नीचे न जाने कितने महान विचार पैदा होते हैं और उन विचारों से दुनिया बदली जा सकती है। तो FPRT आज एक छोटी संस्था लग सकती है, 200-400-500 लोग उससे जुड़े होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस एक ग्लोबल बिजनेस है और उसमें FPRT जैसे नए अभिनव प्रयासों की बहुत ज़रूरत है। और मैं ये बता सकता हूँ कि कुछ आने वाले कुछ वर्षों में ही इसका विस्तार होगा, लोग इससे जुड़ेंगे और वो इसलिए जुड़ेंगे कि इसके पीछे कोई किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा नहीं है, इसमें कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है कि उनकी नॉलेज को ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ अपडेट कैसे किया जाए। मित्रों, इंश्योरेंस आज वो नहीं है जो सन 2000 में था, इंश्योरेंस आज वो नहीं है जो सन 2010 में था, इंश्योरेंस आज वो नहीं है जो सन 2020 में था, इंश्योरेंस दिन प्रतिदिन लगातार तेजी से बदल रहा है और ये बदलाव का दौर है। बदलाव का दौर किस लिए है कि दुनिया जो है वो पिछले 10 वर्षों में ऐसी टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी ने दुनिया को इतना बदल दिया है जितना के पिछले 200 सालों में दुनिया नहीं बदली होगी। दुनिया बदली जब बाप का इंजन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, दुनिया बदली जब रेडियो टेलीविजन आए, दुनिया बदली जब एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, दुनिया बदली जब एटम का आविष्कार हुआ, लेकिन सबसे बड़ा चेंज आया जब इंटरनेट पैदा हुआ। और इंटरनेट के पैदा होने के बाद में IT एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई और आपके हाथ में स्मार्टफोन आ गया। आज स्मार्टफोन से दुनिया के करीब 5 बिलियन लोग जुड़े हुए हैं। हर आदमी के पास में स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन एक सिद्धांत पर चल रहा है। एक प्रोफेसर ने 1965 में कहा, प्रोफेसर हेनरी मूर ने, कि जो चिप है माइक्रोचिप आपके फोन में, स्मार्टफोन में क्या है, माइक्रोचिप है। आपकी जो डिजिटल वॉच है उसमें क्या है, माइक्रोचिप है। कंप्यूटर में क्या है, चिप है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री दुनिया में ताइवान में सबसे ज़्यादा विकसित है। भारत को चीन से प्रतिस्पर्धा अगर करनी है तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा, वो चिप बनाना आसान काम नहीं है, प्रयास जारी है। तो हेनरी मूर ने 1965 में जो IT के प्रोफेसर थे, ये कहा कि माइक्रोचिप की कंप्यूटेशन एबिलिटी हर 18 महीने में डबल हो जाएगी और उसकी कीमत हर 1.5 साल में आधी रह जाएगी। कैपेसिटी डबल, कीमत आधी, कॉस्ट आधी। और उसने कहा ये 20 साल तक तो ये चलेगा, लेकिन 1965 के बाद आज 58 साल हो गए। हेनरी मूर का, इसको मूर्स लॉ कहते हैं, अगर आप इंटरनेट पर गूगल पर सर्च करेंगे मूर्स लॉ तो आपको ये सब मिल जाएगा। तो वो चल रहा है, आज चल रहा है, और इसलिए इसने डिसरप्ट कर दिया। जो एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी आई है IT के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, उसने हर इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया। आज आप कार खरीदना आपके फायदे में नहीं है, अगर आप हफ्ते में 1-2 दिन कहीं जाते हैं आपको टैक्सी मोबाइल पर मिलेगी। आप किसी भी जगह जाने, विदेश जाने पर या देश में कहीं भी पर्यटन के लिए या व्यवसाय के लिए जाने पर होटल में रुकना जरूरी नहीं है, आपको ABN की सुविधा मिलेगी, OYO की सुविधा मिलेगी।
इसी तरीके से आपको घर में खाना बनाने की स्थिति नहीं है, घर में लोग बीमार हैं या आप अकेले हैं, आपको कुछ खाना है, जो खाना आप चाहते हैं वो आप पका नहीं सकते। तो ये आज से 30 साल पहले तो लोग इसका कोई सोल्यूशन नहीं था कि आप मछली बना के रखिए। लोग विदेश यात्रा पर जाते थे या देश में यात्रा पर जाते थे, मैं अपने परिवार के लोगों की बताता हूँ, तो वो ढेर सारे मछली और लड्डू बना के चलते थे, वो कहाँ मिलेगा कुछ भी खाने को। लेकिन आज आप कभी भी फ़ोन करेंगे 30 मिनट के अंदर आपको खाने को मिलेगा जो आप खाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो हर तरह का खाना आपके घर में बिल्कुल फ्रेशली कुक्ड खाना आपको दे रही है। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो डिसरप्ट नहीं हुई? तो आपकी इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी डिसरप्ट हो चुकी है, और वो डिसरप्शन आपके प्रोफेशन पर भी दबाव डाल रहा है। अगर उस डिसरप्शन के प्रोसेस को आप नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, भूल जाइए कि आप सिर्फ एजेंट हैं। ट्रेडिशनल एजेंट का रोल खत्म हो चुका है। आज एक ऐसे प्रोफेशनल एडवाइजर की जरूरत है जो इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, क्लेम्स मैनेजमेंट, हर चीज की नॉलेज रखता हो, और वो तभी संभव है जबकि आप ईयर टू ईयर और मंथ टू मंथ, डे टू डे, वीक टू वीक अपनी नॉलेज को अपडेट करें। मैं इन शब्दों के साथ शुभकामनाएं देता हूं कि आज का कार्यक्रम आपका अच्छे ढंग से चले, और आपको मैं धन्यवाद देता हूं MDRT को, राजेश चेतन जी को, अतुल जैन जी को कि आपने बिमटेक को अपने वेन्यू के रूप में चुना। हमको पैशन है इंश्योरेंस की कम्युनिटी से जुड़ने का। आप वेल्थ एडवाइजर हैं, एजेंट हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करते हैं, आप इंश्योरेंस के विद्वान हैं, आप इंश्योरेंस पर किताब लिखते हैं, आप रेगुलेटर हैं। इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिससे बिमटेक ने अपना कनेक्ट पिछले 25 सालों में नहीं बनाया। तो ये कनेक्ट आपसे भी, आपको यहाँ लाने का प्रयास यही था कि हम वो कनेक्ट आपके साथ बनाए रखना चाहते हैं, और इसके पीछे कोई पर्पज हमारा नहीं। धन्यवाद। सर ने बताया कि समय बदल रहा है और अपने आप को बदलना पड़ेगा, ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा। 2022 का इंश्योरेंस उद्योग, इंश्योरेंस इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल चुकी है। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, आज सर यहाँ बैठे हैं क्योंकि आप सब तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए हैं, कोई चॉइस से आया होगा, कुछ मजबूरी से आए हैं, मुझे नहीं पता आप कैसे आए। अधिकांश लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में चॉइस से कम आते हैं, यस और नो? हाँ, क्योंकि इंश्योरेंस को बहुत हल्के में लेते हैं लोग, जैसे सर ने कहा। लेकिन अब समय बदल रहा है। मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप भी यदि चाहते हैं कि अपने नेक्स्ट जनरेशन भी इंश्योरेंस के काम में आए, इंश्योरेंस के बिजनेस में आए, तो आप इस परिवार के साथ जुड़ जाइएगा, अपने बच्चों को भी यहाँ लाइए। ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री का गुरुकुल है, मैं आपको बता दूँ, गुरुकुल है। यहाँ का जैसा वातावरण मिलेगा नहीं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी सर अल्मुनाई की बात कर रहे थे, मेरे दोनों बेटे इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी चलाते हैं। कितनी बड़ी ताकत है अल्मुनाई की, मैं बताना चाहता हूँ। हमारा कोई काम नहीं रुकता जी। राघव को पता होता है कि फलानी कंपनी में फलाना बिमटेक का अल्मुनाई बैठा है, आपस में क्या गपचुप बात करते हैं, 2 मिनट में काम खत्म हो जाता है जी। जैसे ये डॉक्टरों की अल्मुनाई होती है, जैसे IAS IPS की अल्मुनाई होती है, ऐसे बिमटेक की भी जो अल्मुनाई है, वेरी स्ट्रांग अल्मुनाई, एक दूसरे के काम की मतलब इज्जत करते हैं वे लोग। इस तरह का एक वातावरण है। एक बात कह के सिर्फ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ आए थे कल, मैं टेलीविज़न पर प्रधानमंत्री को देख रहा था, ChatGPT के जो CEO थे उनके साथ वो मीटिंग कर रहे थे। हेल्थमैन उनके साथ मोदी साहब की मीटिंग चल रही थी। ये ChatGPT शब्द मैंने पहली बार बिमटेक में सुना था सर, मुझे नहीं पता था क्या होता है। सर आपका लेक्चर था पांडे सर, कि आगे क्या होने वाला है इसकी, क्योंकि ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी
तो मैनेजमेंट में जो टेक्नोलॉजी है उस सब की चर्चा इस संस्थान में होती है। तो मैं याद कर रहा था उसने अपनी कक्षा को, मैंने कहा सर ने बताया था चैट जीपीटी क्या होता है, अब ये प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है देश के अंदर, जिसकी तैयारी बिमटेक में पहले ही हो गई थी कि ये होने वाला है। तो ऐसे लोग हैं, मैं चाहता हूं कि सर का धन्यवाद करने के लिए हमारे जनरल सेक्रेटरी, डायनेमिक जनरल सेक्रेटरी भाई अतुल जैन से प्रार्थना करूंगा वो आए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर, और एपीआईटी परिवार की तरफ से हमारे बीमटेक के जो चेयरपर्सन हैं चतुर्वेदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम इतने बड़े पराक्रम में बैठे हैं और वो हमें इतनी उन्होंने इज्जत दी, हम लोगों को यहाँ पे स्थान दिया। मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है एपीआईटी परिवार के सभी सदस्यों की कि हम इस प्रोग्राम में बैठ करके, इतने बड़े सेमिनार हॉल में बैठ करके हम यहाँ पे इस लेक्चर को सुन रहे थे। मेरा बिमटेक से जो संबंध जो शुरू हुआ, कोविड में बहुत सारे काम खराब हुए, बहुत सारे लोग परेशान हुए, बहुत सारे घर में मिसहैपनिंग हुई, लेकिन यदि हम आज अपनी बिमटेक की यदि ये जो मीटिंग यदि हमारी एसोसिएशन की बात करें तो शायद ये बिमटेक की जो एसोसिएशन बनने की जो शुरुआत हुई वो इसी कोविड में हुई। कोविड के अंदर एक मनोज पांडे सर ने एक कोर्स लॉन्च किया लाइफ इंश्योरेंस के बाद के ऊपर, और उसमें मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, और उसके बाद मनोज पांडे सर और बिमटेक के साथ हम लोग जुड़े रहे। और जब हम अभी पिछले साल नवंबर में जब हम लोग यहाँ पे 3 दिन का रेजिडेंशियल कोर्स करने के लिए आए, तब हमें चतुर्वेदी सर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और चतुर्वेदी सर से मिलने का मौका मिला। मैं आज अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि इतनी हमारी ये एपीआरटी संस्था बहुत छोटी संस्था है अभी, और उसके बावजूद भी बिमटेक ने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया अपना, और हम लोगों को यहाँ पे आने का आने की अप्रूवल दी, और हम लोग कल से यहाँ पे हैं। किसी भी तरीके की जरा सी भी हमें तकलीफ नहीं, एक से एक चीज़ पांडे सर, चटोराज सर, सब लोग इतने हेल्पफुल हैं। अभिनव यहाँ पे हैं, उन्होंने मतलब पूरी टीम ऐसी है जो ये हम लोगों को हाथों पे रखा है। तो मैं एफपीआरटी परिवार की तरफ से मैं चतुर्वेदी सर का और पूरी बिमटेक टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको आज एक आप लोगों को एक आश्वासन और देता हूँ सर, जिस दिन एफपीआरटी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा उस दिन भी वो बिमटेक का ऋणी रहेगा। थैंक यू सो मच। अब हम सेशन की तरफ जा रहे हैं और अब फर्स्ट सेशन शुरू होगा उद्घाटन सत्र के बाद, और हम चाहेंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट्स एक बार हम चेंज कर लें अपना। और सर का फिर से धन्यवाद, हम सब तालियां बजा के सर का अभिनंदन करते हैं, सर ने बहुत समय दिया जी। सर की विनम्रता बड़ी कमाल की है, इतने बड़े व्यक्तित्व हैं वो, और बड़े सहजता से हमारे जैसे लोगों को स्वीकार करते हैं। और मैं शाम तक ये प्रयास करूंगा कि ये रिलेशनशिप जो आज हम बिमटेक के साथ बना है कि एक स्पेसिफिक इंटरवल पर हम यहाँ आते रहें। और मैंने एक प्रार्थना और की है सर से कि जो लास्ट ईयर हमने रेजिडेंशियल कोर्स किया था जिसमें 26 पार्टिसिपेंट आए थे, उसको इस साल फिर किया जाए, कैसा रहेगा आइडिया, करें क्या? अच्छा, अगर हम करें तो कितने लोग आना चाहेंगे? इतना स्थान तो हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, 3 बैच बनाए हैं, हाँ बन रहा है, वो सबके निगाह ऊपर ऊपर गई हुई है, देख भी आए ऊपर बन रहा है बोला। ठीक है, ठीक है, मैं पांडे सर से प्रार्थना करूंगा, चटोराज सर से प्रार्थना करूंगा कि इस बार फिर ये एक अवसर दें यहाँ पर एफपीआरटी के पार्टिसिपेंट्स को। और जो बात डॉक्टर कुलदीप बोलिया कह रहे थे कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुलना चाहिए, तो पांडे सर से प्रार्थना कर देंगे कि हम बूढ़ों को भी मौका दें यहाँ पढ़ने का। बूढ़ा कोई नहीं आया, भूतपूर्व बूढ़े हैं, भूतपूर्व नौजवान है। चलिए तो इसको थोड़ा सेटअप को चेंज कर लेते हैं एक बार। हाँ कर दीजिए, आइए पांडे सर कुछ बोलना वाले, आइए।
नहीं, बस अनाउंसमेंट ये है कि एक छोटा सा बाथरूम इधर है, या आप इधर से लेफ्ट राइट से जाइएगा तो जेंट्स बाथरूम है लिफ्ट के पास, महिलाओं के लिए इधर से जाने पे लिफ्ट के पास बाथरूम है। आप लोगों के लिए पानी का बोतल, हम लोग हमारे लोग सत्र को विदाउट मतलब डिस्टर्ब करते हुए आप हर आदमी के सीट पे एक एक पानी का बोतल मिल जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले अपने बोर्ड के मेंबर्स का परिचय आपको देना चाहता हूँ। जी जी, पहला सेशन आपने आपको मिल गया होगा क्या? हम मिस्टर अंबर एस अरोंडेकर सर को सुनने वाले हैं, द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर, इस सब्जेक्ट पर बात करेंगे। इससे पहले मैं अपनी टीम को बुलाना चाहता हूँ, एक बार आ जाए पूरी टीम हमारी। प्लीज स्टेज पे आ जाए। अतुल जी अभी आ रहे हैं, दो मिनट में आ रहे हैं। हेलो मित्रों, अतुल जैन साहब अभी आ जाएंगे, ये हमारी टीम के मेंबर हैं। मैं एक बार सबका परिचय आपको दे देता हूँ। उस कोने में खड़े हैं मिस्टर सुनील डैंग। सुनील जी लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड क्लेम्स, तीनों के इंसाइक्लोपीडिया हैं। क्लेम्स में इंजीनियर हैं आप और रेनाउंड सर्वेयर हैं। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं हमारे FPRT के परिवार के, जिनको जब भी क्लेम्स में कोई दिक्कत आती है तो हमेशा मदद करने के लिए तत्पर होते हैं? सुनील डैंग साहब, FPRT के आपकी मदद की बहुत बार की, आपकी भी मदद की। ओके, अरे वाह, काफ़ी लोग हैं अभी आपके चाहने वाले। सुनील भैया बहुत अच्छा, आप कभी भी फ़ोन करेंगे सुनील भैया अवेलेबल हैं, और वो तरीके बता देते हैं किस तरह से ये क्लेम सेटल होगा, इतना अनुभव है उनके पास। और आजकल वो स्पिरिचुअल दुनिया में जा रहे हैं धीरे धीरे, अच्छी बात है, जाना ही चाहिए, क्योंकि उम्र के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, आयु के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, आजकल बदल रहे हैं वो, तो एक बार उनके लिए भी तालियां हो जाए सुनील डैंग साहब के लिए। ये हमारे मोहन सिप्पी जी हैं, लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं, म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, और ये भी अपने बालक को बिमटेक में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं कि बालक यहाँ आ जाए। ऐसे मन है ना आपका, बहुत अच्छा है। और मोहन सिप्पी जी हमारे FPRT के बोर्ड के मेंबर हैं, आप इनका भी तालियां बजा के स्वागत कर सकते। इधर खड़े हैं मिस्टर अजय त्यागी। अजय त्यागी मैराथन करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फुल मैराथन बोलते हैं आप लोग, मैराथन ही बोलते हैं, मैराथन करते हैं, दौड़ते हैं 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, घर से निकलते हैं तो दौड़ते हैं, दौड़ते कहाँ पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता, 42 किलोमीटर दौड़ते हैं, लोनी से दौड़ते हैं जाके बागपत रुकते हैं, बिमटेक आ जाते हैं, सच में बिमटेक आ जाते हैं। ऐसा आयु भी 50 के करीब हो गई है, लेकिन बहुत हिम्मत वाले आदमी है। और हमारा जो FPRT परिवार है उसके सबसे एक्टिव मेंबर्स में से अजय त्यागी साहब होते हैं। और अजय जी की खूबी क्या है कि वो मैराथन नहीं करते हैं, इंश्योरेंस का काम भी बहुत अच्छे से करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी करते हैं, म्यूचुअल फंड भी करते हैं, जनरल इंश्योरेंस भी करते हैं, और FPRT में भी बहुत समय लगाते हैं, आप उनका भी तालियां बजा के स्वागत करें। ये राजेश राठौर जी हैं, राजेश राठौर जी हमारे बोर्ड के मेंबर हैं और टेक्नोलॉजी के बादशाह हैं, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी। आजकल वो अपना जो LIC का ऐप आया है आनंदा, उसकी मास्टरी है इनकी,
और आनंदा ही नहीं है, कोई भी इशू होता है टेक्नोलॉजी का, राजेश जी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। FPRT का पूरा हमारा सिस्टम जो चलता है क्लासेस का, ऑनलाइन का, जूम क्लासेज, उन सबको भी कोऑर्डिनेट करने का काम अजय त्यागी राजेश राठौर करते हैं। और राजेश नाम के सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं। तो आपको कोई तकलीफ है क्या? हाँ, समझ गया, ठीक है। तो आप भी अपने आप को राजेश कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राजेश राठौर हैं, ये हमारे सबसे सीनियर मेंबर हैं FPRT के, बैंकर थे और बैंक की जॉब छोड़ के इंश्योरेंस में कूदे, COT TOT करते हैं सुरेश अरोड़ा साहब। लाइफ इंश्योरेंस की तो मास्टरी है ही, इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस भी करते हैं, म्यूचुअल फंड भी करते हैं, वो बैंक पोस्ट ऑफिस भी करते हैं, PPF भी करते हैं, ऑलराउंडर हैं, सारे काम करते हैं। और ये वो व्यक्ति हैं जिनकी अगली जनरेशन भी इनके बिजनेस में आ गई है, ये अच्छी बात है कि अगली जनरेशन को भी आप इसी बिजनेस में लेके आए हैं। ऐसे हमारे सुरेश जी अरोड़ा हैं, अभी बहुत मेजर सर्जरी हुई है, मैंने पूछा क्यों आए, आपको आराम करना चाहिए था, बोले नहीं आज तो मुझे आना ही था, हफ्ता पहले सर्जरी हुई है, मेजर सर्जरी हुई है और आज आपके सामने खड़े हैं, रजिस्ट्रेशन का काउंटर भी संभाल रहे थे। हमारे सुरेश अरोड़ा जी के लिए एक बार सब मिलकर तालियां। और राजेश भाई चेतन जी को कितने लोग हैं जो नहीं जानते? नहीं जानते आप? और कितने लोग हैं जो जानते हैं इनको? एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। सर जितनी बड़ी हस्ती है ना उतना नीचे होके चलते हैं, ये बताते भी नहीं है क्या क्या करते हैं, इतनी व्यस्तता के बाद भी आज सुबह सबसे पहले आए हुए थे यहाँ पे, कल भिवानी थे, परसों हिसार थे, ऐसे अलग अलग इनके लगातार कार्यक्रम चलते रहे और ज्यादातर संस्थाओं के प्रेसिडेंट हैं। और इस तरीके से काम करवाते हैं, ऑटो प्ले पे डाल देते हैं, काम अपने आप होता रहता है। और ये चीजें सीखनी है तो राजेश चेतन जी के साथ जुड़ो। और जो इन्होंने विजन इंश्योरेंस एजेंट के लिए लिया है ना, सुपर। ये चाहते थे यार ये इंडस्ट्री सबसे ऊपर जाए। और आज देखना जो सर ने प्रयास किए हैं उसका कुछ परसेंट आपको दिखेगा। और सर चाहते हैं कि बाकी लोग भी जुड़े, ये संस्था हमारी अकेले की नहीं है, सभी की संस्था है। राजेश भाई को हमेशा हम दुआ करते हैं, भगवान इनको लंबी उम्र दे और अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि हमेशा हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। अतुल भाई हमारे हैं नहीं, अतुल भाई के लिए भी सर बताएं। हमारे बीच में हमारे जनरल सेक्रेटरी, डायनेमिक जनरल सेक्रेटरी अतुल जी अभी आ रहे हैं, कोई गाड़ी में कुछ सामान छूट गया, वो लेने गए हैं वो। अतुल भैया TOT आ गए, अरे वाह वाह, आइए एक बार आइए अतुल भैया। अतुल भैया को आप सब जानते हैं, देखिए राजेश चेतन तो FPRT का केवल फेस है, सरफेस कोई है तो उसका नाम है अतुल जैन। दिन रात चिंता करते हैं। अतुल जैन का मतलब यह है कि भारत के सारे बीमा इंडस्ट्री के लिए 24/7 की बीमा हेल्पलाइन, यस और नो, जिसको जब काम पड़ा अपना काम छोड़ के अतुल जी के पास पहुंचा, निराश होके नहीं आया, निराश होके नहीं आया। उनके लिए उनका फोन उठाते हैं, ये अच्छा किया, खैर जरूरी भी था, इतना तो करना ही चाहिए था, बहुत ट्रैफिक हो गया था। मैंने अपने बच्चों को एक बात बता रखी है, कहीं काम अटके तो हमको फोन मत करना, तुम्हारा चाचा है अतुल जैन उसको फोन करना, अतुल जैन जो काम नहीं कर पाया फिर हमारे पास आना, हम सोचेंगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन वो फाइल मेरे तक पहुंचती नहीं है, अतुल भाई उसको पहले ही निपटा देते हैं काम को। ऐसे भयंकर भयंकर क्लेम जो सेटल हो ही नहीं सकते थे, अतुल ने वो सेटल करके दिए। ऐसा आप FPRT की ताकत को कम मत समझना, FPRT ऐसे संतों की जमात है, किसको कुछ नहीं चाहिए, सब देना ही चाहते हैं। तो ऐसे अतुल भाई हैं, TOT करते हैं, 18-20 लोगों की टीम है, बढ़िया ऑफिस चलाते हैं, इनके ऑफिस जाके लगता है कि कॉरपोरेट ऑफिस में आ गए हम लोग, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा ऑफिस है, कैसे बिजनेस करना चाहिए ये अतुल भाई से सीखने की चीज़ है।
और अभी इन्होंने मर्सिडीज खरीदी, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा दिमाग खराब है तेरा, क्या है को मर्सिडीज लाया? कहता आप ही तो कहा करते थे कि बीमा एजेंट को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं अब बहुत कंफर्टेबल हूँ ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट भी, जनरल इंश्योरेंस एजेंट भी एक इंडस्ट्री की तरह, इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह जीवन जी सकता है। इसलिए मैंने ये मर्सिडीज ली है। अच्छा लगा। आज हमारा एक भाई मर्सिडीज में आता है, अभी मैं गया था तो बोला इस सीट पर बैठो प्रधान जी, मैं सीट पर बैठा, बोला इसमें देखो हवा आ रही है। मैंने एक्सपीरियंस किया, ये चाह रहा था कि मैं भी ले लूँ। तो बोला देखो ये एसी का ऐसे कर देता हूँ, ये फलाना कर देता हूँ, उसने पूरा डेमो दिया। मर्सिडीज वाले ने मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं की क्योंकि जितनी अतुल ने कर दी। तो आप इसके चक्कर में मत पड़ जाना, ये मर्सिडीज आपको भी बेच देगा।